अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। उम्मीद है कि आप सभी अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत हो गए। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक्सरसाइज 13.1 का है उससे करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा बेटा। ए क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स हैज बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड, 8 सेंटीमीटर हाई। विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सर्फेस एरिया एंड बाय हाउ मच। विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सर्फेस एरिया एंड बाय हाउ मच। यानी कि कुल मिला के बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास में है। इस क्वेश्चन में हमें दो बॉक्स दिए गए हैं, एक तो क्यूबिकल बॉक्स जिसके एज की लेंथ हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर और उसको हमने डिनोट यहाँ पे किया है बेटा ए से, यानी कि एज ऑफ क्यूब हमने ए से डिनोट की है वो 10 सेंटीमीटर है। जो दूसरा बॉक्स है वो क्यूबॉइडल बॉक्स है, क्यूबॉइड की तरह है। उसकी जो डायमेंशन हमें दी गई है वो कुछ ऐसी है, लेंथ उसकी है 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ उसकी है बेटा 10 सेंटीमीटर और उसकी जो हाइट है दैट इज 8 सेंटीमीटर। हमें इस क्वेश्चन के रिलेटेड में दो चीजें पूछी गई है। पहले तो हमने यहाँ पे बताना पड़ेगा इन दोनों बॉक्सों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, और दूसरे पार्ट में हमने इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा इन दोनों बॉक्सों में से किसका टोटल सरफेस एरिया कम है, क्या है कम है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। एक लाइन मैंने यहाँ पे लिख के रखी है बेटा, हियर एज ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। जो हमारे पास में एज क्यूबिकल बॉक्स की है उसको हमने डिनोट किया है ए से, तो वो है बेटा 10 सेंटीमीटर। ऑल्सो डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, जो डायमेंशंस है हमारे क्यूबॉइडल बॉक्स की उसकी लेंथ 12.5 सेंटीमीटर है, उसकी जो ब्रेड्थ है बेटा दैट इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 सेंटीमीटर, और जो उसकी हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन को स्टार्ट। पहले क्वेश्चन में हमने क्या करना पड़ेगा, इसके पहले पार्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, हमने देखना पड़ेगा इन दोनों बॉक्सेस में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। उसके लिए इन दोनों बॉक्सों का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। क्लियरली लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, उसके लिए फॉर्मूला 4a स्क्वायर है, 4 इंटू साइड स्क्वायर है, 4 आएगा 4 इंटू 10 स्क्वायर जो कि आएगा बेटा 4 इंटू 100, दैट विल बी एक्चुअली 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब, इसको लिखेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जो क्यूबिकल बॉक्स है उसका लेटरल सरफेस एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसके बाद में दूसरे यानी कि क्यूबॉइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। ऑल्सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ का वैल्यू 12.5, ब्रेड्थ का वैल्यू 10 और हाइट का वैल्यू जो है बेटा वो 8 है, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 2 इनटू 12.5 प्लस 10, दैट इज 22.5 बेटा। जब हम 12.5 को 10 ऐड करेंगे y का 22.5, उसके बाद में हम क्या करेंगे, मल्टीपल में इसको 8 है, जब हम 2 को मल्टीपल करेंगे 22.5 से 22 हो गए 44, और 44 और 0.5 वो कितने हो गए 45, 2 इंटू 22.5 आएगा बेटा 45, मल्टीपल में है 8, 8 5 40, 4 चढ़ेंगे कैरी, 8 4 32 और 4 कितने हो गए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स, इसको हम इक्वेशन सेकंड से डिनोट करेंगे, ठीक है बेटा। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट हमें बताती है कि लिटरल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इक्वेशन सेकंड हमें बताती है कि लिटरल सरफेस एरिया हमारे इस क्यूबॉइडल बॉक्स का 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इट इज बट नेचुरल फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस दैट द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स एंड बाय हाउ मच, के लिए इन दोनों नंबर्स के हम बेटा डिफरेंस निकालेंगे। चलिए फ्रॉम first and second we come to know that lateral surface area of cubical box is greater than the lateral surface area of cuboidal box by 400 minus 360 that is equal to 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 400 में हम
360 निकालेंगे वो कितना आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारे पास में जो लेटरल सरफेस एरिया है क्यूबिकल बॉक्स का वो 40 सेंटीमीटर ज्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अवर दिस वेरी क्यूबॉइडल बॉक्स। अब इसका दूसरा पार्ट करने के लिए ये चीजें हम पूरी के तरीके से रब करेंगे, बिकॉज मेरे पास में यहाँ पे स्पेस नहीं उतनी, खाली या डायमेंशन वाली लाइन हम यहाँ पे रखेंगे। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा सर, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इन दोनों बॉक्सों में से किसका टोटल सरफेस एरिया कम है, कम है किसका कम है, उसके लिए दोनों बॉक्सों का हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। नाउ TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स वाई का बेटा ऑफ 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर वाई का 6 इंटू जो हमारे पास में ए का वैल्यू है 10, वाई का 10 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू 100 दैट विल बी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एक्चुअली द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। ओके, इसको हम इक्वेशन स्टार लिखेंगे, क्या इक्वेशन स्टार। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, आल्सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूबॉइडल बॉक्स। उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है सर, हमारे पास में वही वाली फॉर्मूला है, ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स प्लस द वैल्यूज ऑफ एल बी एंड एच। जो हमारे पास में एल है दैट इज 12.5, मल्टीपल में है ब्रेड दैट इज 10, ठीक है, प्लस आएगा ब्रेड दैट इज 10 मल्टीपल बाय हाइट दैट इज 8 और उसके बाद में लेंथ है बेटा, लेंथ एल इंटू एच या एच इंटू एल, एच इंटू एल हाइट इंटू लेंथ, हाइट है बेटा 8 मल्टीपल बाय है लेंथ जो कि 12.5 है, 12.5 है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 2 टाइम्स 12.5 मल्टीपल बाय 10। अभी इससे पहले हमने आपको बताया था जब 10 से मल्टीपल करते हैं बेटा डेसिमल प्लेस एक शिफ्ट होता है, एक प्लेस शिफ्ट होता है राइट में, 125 आएगा एंड के 10 इंटू 12.5 दैट्स 125 और प्लस आएगा 10 इंटू आएगा बेटा 80 और उसके बाद में प्लस आएगा 8 इंटू 125 जो प्रोडक्ट होगा उसमें हम एक प्लेस के बाद डेसिमल चढ़ाएंगे, 8 5 40 आएगा, 4 चढ़ेंगे कैरी, 8 4 32 और 4 हो गए 36, यहाँ पे 6 आएगा बेटा, फिर से आप करिए बेटा 8 5 40 4 आएगा कैरी, 8 2 16 16 और 4 हो गए 20, यहाँ पे 0 आएगा, दो चढ़ेंगे यहाँ पे कैरी बेटा, 8 1 8 8 2 हो गए 10, ये आएगा बेटा 1000 लेकिन एक के बाद डेसिमल तो 100 ही आएगा, यानी कि 100.0 का मतलब 100 है बेटा, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 100 आएगा, कितना 100 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स। देखो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1 प्लेस पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 5 तो 5 आएगा, 10 प्लेस पे 0 10 प्लेस पे 8 तो यहाँ पे 2 8 और 2 हो गए 10 तो 0 आएगा बेटा, और उसके बाद में 100 प्लेस पे 1 यहाँ पे 1 और कैरी वाला 1 वो आएगा 3 तो 305 मल्टीपल 2 वो कितना आएगा, आएगा बेटा 2 5 10 एक चढ़ेगा कैरी, 2 0 0 1 आएगा यहाँ पे और 3 2 3 6 आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हम डबल स्टार लिखेंगे, ठीक है। अच्छा फ्रॉम स्टार हमें क्या पता चलता है सर, टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डबल स्टार इक्वेशन हमें बताती है कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइडल बॉक्स का 610 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी कम टू नो दैट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स बाय हाउ मच, बाय 610 माइनस 600 दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार वी कम टू नो दैट टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज स्मॉलर देन TSA ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स बाय 610 माइनस 600 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड इट, प्लीज डू कमेंट ऑन माय वीडियो लेक्चर, थैंक यू।